गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के 10th क्लास के लिए मैथ्स में रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं, क्योंकि तो आप लोगों के 1 अगस्त से बच्चे सेट एग्जाम्स हैं। ठीक है, 1 अगस्त से क्या आप लोगों के सेट एग्जाम है, उसी के लिए आपके 10th क्लास के मैथ्स की रिविजन क्लासेस चलाई जा रही है। और लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास के मैथ्स का 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था, तो उसी को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण नंबर 6 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे, चलिए से बच्चे एक बार सामने देखिए स्क्रीन पर, खुशी एक बार रीडिंग लगाओगे बच्चे क्वेश्चन की? खुशी यस हाँ लगाई बच्चे रीडिंग? सर। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजक है? ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी कि 2 अंकों वाली आपने सर टेबल लिखना शुरू किया, सर 3, 3 दुनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि सर हमें पता है कि जो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी वो 3 के पहाड़े में आती होंगी। सर 3 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या जो 2 अंकों के सर वो 12 है। आप लिखे सर 12, सर 12 के बाद में कौन आएगा? 15। सर 15 के बाद में कौन आएगा? 18। इस तरीके से, पर सर लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी 2 अंकों की, क्योंकि हमें पता है 2 अंकों वाली पूछी गई है, तो लास्ट संख्या कैसे निकालते हैं? खुशी बताइए, 2 अंकों वाली लास्ट संख्या हम कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है दीपक, आपने क्लास ज्वाइन किया है बच्चे विजय के नाम से? ठीक सर, है चलिए, तो खुशी बताइए आप एक बार, आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे कि सबसे छोटी संख्या 12 है 2 अंकों की जो 3 से भाग यस होगी, अब आपसे सर, पूछूं सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है, बताइए कौन सी है वो? 99 सर। 99। बच्चे हम कैसे निकालते हैं? देखो आपने कहा सर हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो सर हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली और उसको हमने भाग किया 3 से। सर 3 तिया कितना हो गया? 9। सर घटाया तो 1 आ गया, ऊपर से उतारा 0। सर 3 तिया कितना आ गया हमारे पास में? 9। और सर हमने घटाया तो 1 बच गया, यानी कि जब हम 3 से भाग करते हैं 100 को तो हमारे पास में 1 शेष बच जाता है, यानी कि अगर हम 100 की जगह 1 कम कर लें, अगर हम 100 की जगह 1 कम कर लें, तो बच्चे 99 वो संख्या है 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है और 3 से विभाज्य है। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर भाई आपसे अगर पूछा जाए 7 से भाग होने वाली, आपसे अगर पूछा जाए 7 से भाग होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप 100 को भाग कर लो, आप किसको भाग कर लो बच्चे? 100 को भाग कर लो 7 से। आपने कहा सर 7 एकम 7 हो गया, घटाया तो सर 3 बचा, ऊपर से उतारा 0। सर 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, यानी कि आप कहोगे सर जब हम 100 को भाग कर रहे हैं 7 से तो 2 बच जा रहा है, यानी कि 100 में से सर 2 को घटा दो, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 98। यानी कि 98 2 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो बच्चे 7 से भाग हो जाती है। क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि अब आपके पास में एक एपी बन गई है बच्चे। कौन सी एपी बन गई है? कि सर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। आपने कहा सर 2 अंकों वाली तो 12 विभाज्य है, 15 विभाज्य है, 18 विभाज्य। सर ऐसे करते करते हमें 99 तक जाना है। पूछी गई है सर ये कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि आपसे एन का मान पूछा गया है। भाई ए का मान कितना है? आप कहोगे सर ए का मान 12 है, क्योंकि सर ये माइनस रही हमारी पहली पद। सर डी का मान कितना है? आप कहोगे सर 15 -12 कितना आ गया? सर 3। सर डी का मान हमारे पास में 3 है, ए का मान 12 है, और सर हमसे एन का मान पूछा गया है। तो सर हम मान लेते हैं ये जो 99 है लास्ट वाली संख्या, ये एनवा पद है। कौन सा पद है? एनवा पद। और हम जानते हैं सर एनवा पद कैसे निकालते हैं, कि सर ये एनवा पद तो 99 है, लेकिन पर हम जानते हैं एन का सूत्र होता है क्या? ए प्लस एन माइनस वन ए बराबर 90। 99। ठीक है बच्चे खुशी? ठीक यस सर। है, तो जब आप लोग यहाँ पर इनके मान भर दोगे, भाई ए का मान कितना है? 12, प्लस सर एन का मान तो हमको निकालना ही है, सर डी का मान कितना है? 3, तो कितना आ गया? 99। सबसे पहले आप लोग इसको 12 को उधर ले जाके घटाओगे, यानी कि एन माइनस वन गुणा 3 का मान कितना आ गया बच्चे? 99 -12 घटा दोगे तो कितना जाएगा बच्चे? ये आ गया हमारे पास में सर 9 में से 2 गया कितना बचा? 7। और सर 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। यानी कि सर एन माइनस वन गुणा 3 का मान कितना हो गया? कि सर एन माइनस वन गुणा 3 का मान हो गया 87। सर ये 3 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि सर एन माइनस वन का मान कितना आ गया है? सर 87/3। सर 3 दूनी 6, 3 नीम 27। सर एन माइनस वन का मान मेरे पास में 29 आ गया है, तो सर एन का मान कितना आ गया मेरे पास में? 30। यानी कि सर 12 लिखा आपने, 15 लिखा आपने, 18 लिखा, और इस तरीके से अगर आप 3 से विभाज्य यानी कि जो संख्याएं 3 से भाग हो जाती हैं और वो 2 अंकों की संख्याएं हैं, भाई 99 तक है,
ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी? आप कहेंगे सर ये टोटल हमारे पास में 30 संख्याएं होंगी। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? किसी यस सर। बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताइए। नो सर। ठीक है, सौरभ शायद बच्चे आपने अभी हैंड राइज किया है सौरभ के नाम से। बताइए बच्चे आपको कुछ डाउट है? ठीक नो no, सर मैंने किया था एकदम सर गलती से लग गया। है ठीक है बच्चे, ठीक है चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट क्लास सिर्फ खुशी ने अटेंड की थी, बाकी किसी और बच्चे ने अटेंड नहीं की थी। तो बच्चे प्लीज आप कोशिश क्या करो कि सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन क्या करो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे यहाँ यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 तक किसी बच्चे को डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 7 तक बताइए। खुशी आपको कोई डाउट डाउट है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 7 तक? ठीक नो सर। है, आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 की रीडिंग लगाओगे बच्चे? यस सर। लगाए बच्चे रीडिंग एग्जाम्पल नंबर 8 की। एक बार, एक हाँ एक मिनट रुक जाइए, बस इसको हम नई स्लाइड पर लगा देते हैं एक बार, और फिर आप स्क्रीन से ही आप लगा देना रीडिंग को। ठीक है ठीक है, और ये बताना हमें दिखाई दे रहा है ना बच्चे आपको? ठीक यस सर। है, सर एक एपी है जिसमें 10, 7 और 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास में एक एपी है 10, 7, 4, आप देख रहे हो घटता जा रहा है, छोटा हो गया नंबर, और छोटा हो गया, ये और छोटा हो जाएगा, छोटे होते होते संख्याएं किस में आने लगेंगी? माइनस में आने लगेंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब आपसे यस पूछा गया है, आपसे क्या चीज पूछी गई है कि बच्चे आप सर। अगर आपसे पूछा जाए 11वां पद, बच्चे 11वां पद आप स्टार्टिंग से निकालते हो, आप क्या करते हो स्टार्टिंग से निकालते हो, बट इस सवाल में पूछा गया है अंतिम से, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आप 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, यानी कि आपको क्या करना है, अंतिम से यानी कि अंतिम पद है इससे प्रथम पद की तरफ आपको 11वां पद निकालना है। जैसे कि पहला पद हो गया सर, यहाँ पर कहीं दूसरा पद भी होगा, तीसरा पद भी होगा, चौथा पद होगा, ऐसे करते करते सर आपको 11वां पद बताना है अंतिम से। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं बच्चे? दो तरीके से। ठीक तो तरीके से सर। है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कहा सर यहाँ पर ए का मान कितना है? सर हम कहेंगे इस एपी का ए का मान तो है सर 10। कितना है? 10। सर इसमें सार अंतर डिफरेंस कितना है? आपने कहा सर 7 माइनस 10, 7 -10 सर। और ये कितना हो गया बच्चे -3। इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना आप सभी को क्लियर है ये इस एपी के लिए, लेकिन पर आप हमें एक बार बताइए यानी कि संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, यानी कि 4, 7 के अंदर आपने जोड़ा था -3 बच्चे। ठीक है, जब भी आपके पास में 4 आया, 4 में फिर से आपने -3 जोड़ा होगा, जब आपने 4 में जोड़ा होगा -3 तो आपके पास में 1 आया होगा, फिर आपने 1 में जोड़ा होगा -3 तो बच्चे आपके पास में -2 आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? और बच्चे जब आपने इसमें -3 जोड़ा होगा तो -5 आया होगा। यानी कि आप एक बार हमें उम्मीद करके बताइए कि आपको पता है कि -62 से पहले कौन सा पद आया होगा? कि -62 से पहले सर -59 आया होगा। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। इतना क्लियर है सभी को? बच्चे अगर यस इतना क्लियर है ना तो इन वाले सवालों को आप लोग ध्यान से सुनना, इन वाले सवालों को आप हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना कि सर एक तो हमें लास्ट वाला पद बताए, अंतिम पद बताए, पता है कि नहीं पता है? बोलिए बच्चे पता है ना सर। अंतिम पद? ठीक है, सर आप क्या करोगे इस एपी को उल्टा करके लिख लो। भाई हमें यहां से 11वां पद बताना है ना, हमें अगर यहां से 11वां पद बताना है तो सर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -62 सर -59, और सर ऐसे करते हुए हम लोग जाएंगे सर हमारे पास में 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर सर हमारे पास में 10 आ जाएगा। इतना क्लियर हो सभी को? आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब आप हमें बताइए ए का मान कितना है? आप कहोगे सर ए का मान है -62। सर डी का मान कितना है? सर डी का मान है -59 में से घटा दिया हमने -62, तो सर हमारे पास में डी का मान कितना आ गया? आपने कहा सर डी का मान आ गया हमारे पास में दस के तीन। यस बताइए इतना क्लियर हुआ बच्चे? बोलिए सर। खुशी इतना क्लियर है बच्चे? यस ठीक है, अब आपके पास में एक नई एपी बन गई है और आप इस एपी के लिए 11वां पद बता दो। भाई 11वां पद कितना होता है? आपने कहा सर 11वां पद होता है A+10D। कितना होता है A+10D? बच्चे A का मान कितना है? आपने कहा सर -62।
प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है बच्चे 3। तो जब सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, यानी कि माइनस के 62 प्लस के 30 और सर ये हो गया माइनस के 32। बताइए इतना क्लियर है क्या? बोलिए खुशी। यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट है यहाँ पर? अब नो सर। आप एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा है, और आप इसको देखो ये कितना छोटा है। यानी कि जब भी आपसे अंतिम पद से पहले पद की तरफ आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए, कोई भी पद पूछा जाए, तो आप लोग बता दोगे ना? ठीक यस सर। है। तो बच्चे एक 17वां नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनना। एक 17वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा है। हम लोगों ने क्या सीखा है कि सर अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ हमने अंक निकालना सीखा है। सीखा है बच्चे? पढ़िए 17वां क्वेश्चन। खुशी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए। यस सर। सर एक एपी है जिसमें 3, 8, 13 और डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, यानी कि एक एपी है और इस एपी में आपको बताना है कि सर अंतिम पद से 20वां पद। तो सर हम क्या करेंगे इसमें? सर हम कुछ नहीं करेंगे। सर अगर इस एपी को हम उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपने 3 में जोड़ा 5, 8 आ गया, 8 में जोड़ा 5, 13 आ गया। यानी कि आपको नहीं लगता कि इससे पहले 248 रहा होगा? बताए बच्चे, आपको नहीं लगता कि इससे पहले 248 रहा होगा? आपने 5 जोड़ा होगा तो 253 हो गया होगा। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब आप इसे एपी को उल्टा करके लिखोगे, यानी कि आपने इसको ऐसे लिखा 253, फिर कितना आ गया बच्चे 248। और सर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए। सर हमारे पास में 13 आया, फिर 8 आया और फिर 3 आया। बोलिए खुशी इतना क्लियर हुआ? ठीक यस सर। है बच्चे, अब आप हमें बताइए इस एपी का पहला पद कितना है? आपने कहा सर 253। 253। इस एपी का सार अंतर कितना है बच्चे डी? आपने कहा सर 200। 248 माइनस 253 ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास है? माइनस के 5। माइनस के 5। यस सर। हमसे पूछा गया सर 20वां पद, तो बच्चे ए 20 कितना होता है? आप कहोगे सर ए 20 होता है ए प्लस A+19D। 19 डी। ठीक है बच्चे, अब आप ए प्लस 19 डी की वैल्यू निकाल दो। भाई ए की वैल्यू कितनी है? 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस के 5। सर जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 19 पंजे 95, और सर प्लस के गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 95, और सर 253 में सर घटा देंगे 95 को, तो सर 295, सॉरी 253 में से 95, सर 13 में से 5 गया 8, सर हाँ से लगाया 14, सर 14 में से 9 गया 5। आप कहोगे सर कितना बच गया? 158। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे ना पेपर में? यस सर। ठीक है खुशी, अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। खुशी आप हमें बताना जरा, बच्चे आप लोगों के पास में भी बुक जरूर होगी एनसीईआरटी की, क्योंकि सब बच्चे बुक लेकर बैठ रहे हैं। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक टाइप वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देख पा रहे हो आप कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त यस सर। स्थानों की पदों को ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग इसको जल्दी जल्दी फिल कर सकते हो? यस सर। बताइए बच्चे पहले पहले वाले में क्या आएगा बॉक्स में? कमेंट रुक जाओ, मिनट निकालने दो। हाँ सभी बच्चे निकालिए जरा एक बार, जरूरी नहीं है कि सभी खुशी निकालेंगे, सभी बच्चे निकालेंगे और सभी की कॉपी हम चेक करेंगे एक बार जल्दी से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सभी की कॉपी हम चेक करेंगे। सुमन के नाम से, सौरभ के नाम से, सचिन के नाम से, अंकित के नाम से, और विजय आपकी भी, मोहित ने भी आज काफी दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है। तो आज आप लोगों ने काफी दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है, और क्लास इतने दिनों से इतनी अच्छी क्लासेस चल रही थी कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक, आप लोगों को पहले ही बताया गया था सेट एग्जाम्स का रिविजन कराया जाएगा और आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक कराई जाएगी, बोला था ना पहले ही आप लोगों को। और आप खुशी से पूछ कर देखिए ना कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक ऐसे ही पढ़ी है जैसे हम आपको अब पढ़ा रहे हैं। यस बच्चे हमने चैप्टर नंबर 14 पूरा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है। चैप्टर नंबर शायद खुशी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? 3 भी पढ़ा था, और आज हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 5 पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आने वाली अगली क्लास को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, और आज जितना सीख पा रहे कोशिश करें सीखने की। चलिए आप लोग जरा इस क्वेश्चन को भरने की कोशिश कीजिए जल्दी से। आप लोगों को अपने आंसर
कॉपी के अंदर बनाने हैं, इन बॉक्सेस को हम लोग कैसे भर रहे हैं, ज्यादा बॉक्स नहीं भरने हैं, आप सिर्फ एक दो और ये हमें तीन बॉक्स भर के दिखा दो सिर्फ, जिसका भी हो जाए बच्चे एक बार आप अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा एक हो गया या दो हो गया, प्लीज से बच्चों से रिक्वेस्ट, मेरे दो हो गए। ठीक है बच्चे, एक बार आप कॉपी दिखाइए कि आपने कैसे कैसे किए। एक ही वैल्यू थी बच्चे हमारे पास में, पहला वाला कहाँ क्या खुशी आपने? सर ये मैंने पहले वाला ही किया है। पहले वाले में तो 2 और 26 था। अच्छा एक बार से बच्चे स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखिए, देखो आप लोगों के बॉक्स कैसे भरने हैं हम समझा देते हैं एक बार, देखिए से बच्चे सामने स्क्रीन पर देखिए भाई, आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, यानी कि आपको पता है एपीए समांतर श्रेणी है, इनमें आपको खाली स्थान भरने। अच्छा ये बताओ पहला पद क्या होता है हमारे पास में? ए होता है। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। और तीसरा पद क्या होता है बच्चे? ए प्लस टू डी होता है। क्लियर सभी को? आपको ए प्लस टू डी का मान पता है कि सर ए प्लस टू डी का मान कितना है हमारे पास में? 26 है। सर टू डी का मान कितना हो जाएगा? आपने कहा सर टू डी का मान हो जाएगा 26 माइनस सर ए की वैल्यू कितनी है 2, तो सर टू डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 24। और सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? आपको अभी 12। सर डी की वैल्यू अगर 12 है तो सर ए के अंदर डी जोड़ा तो कितना आ गया बच्चे? 2 प्लस 12 और हमारे पास में कितना आ गया बच्चे? 14। यानी कि यहाँ पर 14 आएगा। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए से बच्चे कितना क्लियर हुआ? ठीक है अब देखो अगला बॉक्स कैसे भरेंगे। सर ये ए होता है, सर ए प्लस डी होता है, सर ये ए प्लस टू डी होता है, और सर ये ए प्लस थ्री डी होता है। सर हमारे पास में कौन कौन से मान है? आप कहोगे सर हमारे पास में एक तो ए प्लस डी का मान है। बच्चे किसका मान है? आप कहोगे कि सर एक तो हमारे पास में a प्लस डी का मान है, कितना है बच्चे? वो 13। और सर एक हमारे पास में a प्लस 3d का मान है, कितना है बच्चे? वो 3। सर हम अब इनके साइन बदल देंगे, यानी कि हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। सर इनको घटाया तो कितना आ गया? 0। सर ये माइनस के 3d है और सर ये प्लस के d है, तो सर ये माइनस के 2d बचा होगा, और सर ये प्लस के 13 है और सर ये माइनस के 3 है, तो हमारे पास में कितना बचा होगा बच्चे? 10 बचा होगा। बताइए डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5? आ गई कि नहीं आ गई बच्चे डी की वैल्यू माइनस के 5? बोलिए। यस सर। यस सर। डी की वैल्यू माइनस के 5 आप कहीं पर भी पुट कर दो, पहली इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू माइनस के 5, तो आप लिखोगे ए प्लस डी की वैल्यू है सर माइनस के 5 बराबर 13। बच्चे आप जानते हो ए ये सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 5 बराबर 13, तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13 और 5 18। आपने कहा सर यहाँ 18 था, सर ये 5 कम हो गया 13 हो गया, सर ये 5 कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 5 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है अब ये क्वेश्चन आसान है तीसरा। आप कहोगे सर ये ए है, सर ये ए प्लस डी है, सर ये ए प्लस टू डी है, और सर ये ए प्लस थ्री डी है, यानी कि सर मुझे पता है ए प्लस थ्री डी का मान कितना है, तो सर मैं इसको ऐसे सोल्व कर लूंगा कि सर ए प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी है, कि सर ए प्लस 3d का मान है मेरे पास में 9 सही 1/2, और सर मैं 9 सही 1/2 को कितना लिख सकता हूँ? 9 × 18 = 19/2 लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है बच्चे a प्लस 3d में मुझे a का मान पता है कितना? 5 है, तो 5 + 3d बराबर कितना आ गया बच्चे? 19/2। मुझे सर d का मान निकालना है, तो सर 3d की वैल्यू कितनी आ गई? 19/2 - 5। बच्चे यहाँ पर कितना एलसीएम आ गया? 2। सर 2 से भाग करेंगे 2 को 1 आएगा, 1 की गुणा 19 में करेंगे 19। सर एक से भाग करेंगे 2 को 2 आएगा, 2 की गुणा 5 में करी 10। यानी कि सर 3d का मान कितना आ गया? सर 3d का मान आ गया 9/2। कितना आ गया बच्चे? 9/2। और आप जानते हो कि सर ये 3 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, तो सर मेरा d का मान कितना आ गया? 3/2, जिसको सर मैं 1.5 भी बोलता हूँ। d का मान कितना आ गया बच्चे? 3/2, यानी कि जिसको सर मैं डेढ़ भी बोलता हूँ। 5 के अंदर अगर बच्चे आप डेढ़ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे? 13/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। सर मैं 6.5 के अंदर अगर मैं सर आधा डेढ़ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और 8 के अंदर अगर मैं डेढ़ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर।
13/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे आप 13/2 को ऐसे भी लिख सकते हो। सर इसमें डेढ़ जोड़ा तो सर 6.5 हो गया, सर इसमें डेढ़ जोड़ा तो 8 हो गया, सर इसमें डेढ़ जोड़ा तो 9.5 हो गया। क्लियर? यस सर। इसी तरीके से आप लोग इन फिल इन द ब्लैंक इन फिल इन द बॉक्स को भर लोगे। ये भी आसान है, बिल्कुल ऊपर के जैसा है। सर ये ए है तो ये a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। सर मुझे a+5d का मान पता है कि वो 6 है, आप a का मान पुट कर दो। सर ये माइनस के 4 है, तो सर ये 5d बराबर 6। सर ये 5d मुझे निकालना है, तो सर ये माइनस के 4 इधर आके जुड़ जाएगा, 10 हो गया। सर d का मान 2 हो गया, कितना हो गया d का मान 2। बच्चे माइनस के 4 में 2 जोड़ोगे तो माइनस के 2 में 2 जोड़ोगे तो 0, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। क्लियर? बोलिए बच्चे, इतना सभी को क्लियर है ना? यस ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा था, बट उस दिन खुशी ही आई थी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो खुशी के अलावा कोई और बच्चा बताएगा इसको कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा खुशी आप बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि तो आपने तो सारी क्लासेस अटेंड की हैं, हो सकता है आपका कोई डाउट हो सर। तो आपको बता दिया जाए। ये फोर्थ क्वेश्चन तो हो जाएगा खुशी, ठीक यस सर। है। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एन की संख्या यस बतानी सर। है, ठीक यस है। सर। सर सिक्स भी हो ठीक जाएगा। है, अच्छा सातवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और यस 16वां सर। पद 73 है। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं सभी के साथ में। स्क्रीन पर और बाकी सभी लोगों के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए बच्चे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको A31 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आधे बच्चे तो अभी बता देंगे सर A31 की वैल्यू होगी A+30D, पर सर मुझे यस A का मान नहीं पता और D का मान नहीं पता, वरना मेरा आंसर तो आ गया होता। सर जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि सर A11, सर जिसको मैं बोलता हूँ कितना A+10D, सर इसका मान तो 38 है। और सर 16वां पद, सर 16वां पद कितना हो गया जिसको हम बोलते हैं कितना A+, प्लस 15D सर। ये सर हमारे पास में 73 है। बच्चे जब तिहत्तर आप इन्हें सोल्व करोगे विलोपन विधि से, तो बच्चे आपने नीचे के साइन बदले, ये तो कट गया। यस सर ये माइनस के 15D और सर ये प्लस के 10D, तो सर आएगा आंसर माइनस के 5D बराबर। सर ये माइनस के 73 और सर ये प्लस के 38, तो सर आंसर आएगा माइनस का, और सर 73 में से हमने 38 को घटा दिया तो बच्चे कितना बचेगा। सर 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, आपने कहा 35, तो माइनस से माइनस कट गया। और सर डी का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर डी का मान आ गया 7। और सर इस डी के मान को क्या करेंगे, सर इस डी के मान को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं इसको पहली इक्वेशन में। डी का मान 7, आपने लिखा सर A+10D बराबर 38। सर A+10 × D का मान कितना बच्चे, 7 यस बराबर 38, तो सर ये कितना आ गया A+70 बराबर 38। तो बच्चे A का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर 38 − 70, सर। और कितना आ गया हमारे पास में बच्चे, माइनस 32 32। माइनस के 32। अब आपसे पूछा गया था A31, बच्चे A31 कितना होगा, A+3D, यानी कि माइनस के 32 प्लस के 30 × 7, प्लस के 30 × 7, भाई 30 × 7 कितना हो गया, 210 माइनस 32, और आपने 210 में से 32 घटा दिया तो बच्चे कितना बच जाएगा, आप घटा लो 210 − 32, बच्चे 10 में से 8 गया, बच्चे सॉरी 10 में से 2 गया 8 बचा, सर 0 हो गया। सर ये 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, आप कहोगे सर 178। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करें जल्दी से। ठीक है बच्चे, चलिए आप सभी को आवाज आ रही होगी अभी। चलिए
चलिए अब हम लोग देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में सर? क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से एक बार। देखे से बच्चे, 8 में भी थोड़ा सा अलग चीजें हैं, बट है इसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सभी के साथ में। खुशी एक बार रीडिंग लगाई बच्चे। यस सर। सर एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। पद है 50 पद तो आपने लिख दिया सर, एन तो मेरे पास है 50 है कि टोटल पद कितने बच्चे 50। पचास उसका तीसरा पद 12 है आपने लिखा बच्चे। तीसरा पद A3 होता है, ये हो कितना हो गया A+2D, A+2D बराबर 12। और अंतिम पद सर 50 पद की बात कर रहे हो तो A50 कितना है बच्चे? A+49D 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि सर मुझे A29, सर मुझे A+28D का मान ज्ञात करना है। क्लियर बच्चे? यस सर। बस वैल्यू पुट कर भाई, विलोपन विधि से सोल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, सर ये तो कट गया, सर ये माइनस के 49D और सर ये प्लस के 2D, सर घटाएंगे तो माइनस के 47D बच जाएगा, सर ये माइनस के तो 106 और सर ये प्लस के 12, सर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के हमारे पास में 94 बच्चे। ये कितना कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास में 2। ठीक है, डी का मान 2 आप कहीं पर भी पुट कर दो, पहली क्वेश्चन में पुट कर दो डी का मान 2। जब आप डी का मान 2 पुट करोगे ये कितना हो जाएगा बच्चे? A+2D=12। इसमें डी का मान 2 रखने पर सर A+2×4=12 और सर ए का मान कितना आ गया? 8। कितना आ गया बच्चे ए का मान? 8 आ गया बच्चे। हमें निकालना है A29, तो आप लोग जानते हो बच्चे A29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A+28D और सर ए का मान 8 और सर 28×D का मान कितना बच्चे हमारे पास में? तो आप जानते हो 28×2 कितना हो जाता है? 56। अब 56 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चे? क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, यानी कि अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि खुशी इतनी जल्दी जल्दी सवाल क्यों कर पा रही है, खुशी सच में बहुत मेहनत करती है और सारी क्लासेस भी साथ के साथ अटेंड करती है और क्वेश्चंस को भी सोल्व करती है। तो आप सभी को खुशी की तरह ही करना है कि सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई डाउट रहे तो पूछ लो। और खुशी सारी क्लास अटेंड करती है, इन्होंने पीछे की एक भी क्लास नहीं छोड़ी। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी क्लासेस को टाइम से जरूर ज्वाइन किया करें। देखिए बच्चे, हम लोगों ने 7 के साथ में 8 भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम 9वां तो नहीं कर रहे बच्चे, बताइए खुशी क्या 9वां डिस्कस करने की जरूरत है? कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कोई सा पद शून्य होगा, तो ये आप निकाल सकते हो भाई। कौन सा पद शून्य होगा? मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा, और nवां पद कितना होता है? A+(n-1)×D और इसका मान 0 पुट करते हैं सर, हमारे पास में ए भी होगा डी भी होगा और हमें लोग यहाँ से एन निकाले। यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े सभी बच्चे एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े सभी बच्चे। हम एक बार इसको नेक्स्ट लगा भी देते हैं कट करके एक अगली स्लाइड पर, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए खुशी एक बार रीडिंग लगाए बच्चे। समय लगा? हाँ लगाइए। एक एपी है जिसका 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसमें 54वें पद से 132 अधिक होगा? ठीक है, यानी कि बच्चे एक एपी हमें दी गई है 3, 15, 27, 39 .. का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? यानी कि पहले तो आपको इसका 54वां पद निकालना पड़ेगा बच्चे। आपने इसका A54 निकाला तो कितना हो जाएगा? A+53D हो जाएगा बच्चे। यस सर। तो आपने A की वैल्यू 3 पुट करी +53×D, D कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? 12। यस सर। जब आप इसको हल करोगे ये कितना आ जाएगा? 12×36 का 6, वहां से लगा 3, 12×5=60 और 3 कितना हो गया बच्चे? 63। और जब आपने 3 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चे? 639। यानी कि जो इसका 54वां पद है बच्चे वो तो कितना है? 639। लेकिन पर हमसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद
चौवनवे पद से 132 अधिक है, यानी कि चौवनवा पद तो ये रहा, आपने इसके अंदर 132 जोड़ दिया, तो बच्चे हमारे पास में कितना हो गया जब आपने 132 जोड़ दिया, 9 2 11 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7 771 हो गया। पूछा गया कि इस एपी का 771 कौन सा पद बनेगा, आपने कहा सर एनवा पद, 71वा पद 771 होगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 771। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, आपने कहा सर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर ए की वैल्यू है हमारे पास में 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में 12। सर अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, 3 को उधर ले जाके घटाओगे, एन माइनस गुणा 12 3 घटाए तो कितना हो गया बच्चे 768। बच्चे अब आप 12 से भाग करोगे तो एन माइनस वन का मान कितना जाएगा सर 12 छिंग 72 बचा 4 8 12 चौक 48 और एन का मान कितना जाएगा बच्चे 65। कि इस एपी का 65वां पद क्या होगा बच्चे, आप समझ गए होंगे क्या होगा, इस एपी का जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, और आप इसे अगर शॉर्टकट में करना चाहते हो तो बच्चे कैसे करोगे, आप कहोगे सर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका अंतर कितना है, डिफरेंस सर 12 का है, कितना का अंतर है 12 का, सर मुझे अधिक आगे जाना है, सर मुझे 54 से 100 अधिक आगे जाना है, भाई 100 अधिक डिफरेंस को आप 12 से भाग कर लो, 132 को 12 से भाग करोगे तो कितना जाएगा बच्चे 11, यानी कि आपको 11 टर्म आगे जाना है, 54 से 11 टर्म आगे जाओगे बच्चे आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, आप कहोगे सर हम 65वीं टर्म पे पहुंच जाएंगे। क्लियर सभी को? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 रीडिंग लगाएंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर 12 की खुशी आप ही लगा दो, और ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार पढ़कर, कट कर देते हैं इसको, आगे लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है खुशी? यस सर। ठीक है लगाइए रीडिंग। दो समांतर रेडियो का सर्वांतर समान है, यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखो हमारे पास में बताओ इसमें कितनी समांतर श्रेणी है, आप कहोगे सर दो समांतर श्रेणी है जिनका सर्व अंतर समान है, भाई दो समांतर श्रेणी है, आपने इसके अंदर दो समांतर श्रेणी मान ली, भाई मान लेते हैं आप एपी को कैसे मानते हो, आप कहते हो सर हम एपी को ऐसे मानते हैं, किस तरीके से सर, एपी ये होती है सर हमारे पास में ए सर ए प्लस डी सर ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, भाई यही तो एपी होती है हमारे पास में, भाई पहला पद कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर इसका सार्व अंतर क्या है, आप कहोगे सर इसका सार्व अंतर है डी। अब आपके पास में दो समांतर श्रेणी है, भाई दो समांतर श्रेणी ऐसे हो सकती है जैसा कि सर एक तो ये हो गया सर 100 में आपने 5 जोड़ा 105 सर 5 जोड़ा 110 सर 5 जोड़ा 115 सर ये एक समांतर श्रेणी है सर, एक समांतर श्रेणी ये भी हमारे पास में कौन सी बच्चे 3 में 5 जोड़ा 8 8 में 5 जोड़ा 13 13 में 5 जोड़ा 18 और इन देखो दोनों समांतर श्रेणियों पर सार्व अंतर बराबर है कि नहीं है, आप कहोगे सर सार्व अंतर बराबर है। ठीक है बच्चे? सर ठीक है, अब आप इसी एग्जांपल से समझ लो, अगर दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर कितना है बच्चे 100 है, अब एक बात हम आप बताइए इनके पहले पद का अंतर बताओ कितना है, आप कहोगे सर 97 है कि नहीं, बोलिए बच्चे खुशी। यस सर। इनके दूसरे पद का अंतर बताओ कितना है बच्चे, आप कहोगे सर ये तो चौंकाने वाली बात है ये भी 97। सर तीसरे पद का अंतर कितना है, आप कहोगे सर ये भी 97 और ये भी 97, यानी कि एक बात सर इसके अंदर कुछ छिपी हुई है राज की, क्या चीज, कि अगर दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर बराबर है, सर एक तो ये रही समांतर श्रेणी, सर एक ये रही समांतर श्रेणी, इसका पहला पद मैंने कितना मान लिया बच्चे y मान लिया, बट आपको पता है इन दोनों के अंतर तो सेम है, तो अगला पद कितना हो जाएगा y प्लस डी, उसके बाद में अगला पद कितना हो जाएगा y प्लस टू डी एंड सो, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, अच्छा ये बताओ इसका 100वां पद कौन सा होगा, आपने कहा सर इसका 100वां पद जो होगा वो होगा a प्लस 99 डी, और इसका 100वां पद कितना होगा, आपने कहा सर इसका जो 100वां पद होगा वो होगा y प्लस 99 डी, 99 डी।
इन दोनों का अंतर कितना है बच्चे? आप कहोगे सर ए प्लस 99 डी में से आप घटा रहे हो वाई प्लस 99 डी को, और ये अंतर कितना बच्चे हमारे पास में 100 दे रखा है। तो बच्चे जब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो बच्चे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस वाई माइनस 99 डी, और ये कट गया, ये कितना आ गया 100। यानी कि इन दोनों की पहले पद का अंतर कितना आ गया बच्चे 100 आ गया। क्लियर सभी को? पूछा यस सर। गया तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा? अब आप हमें बताओ हजारों पद इधर कितना होगा? आपने कहा सर इधर हजारों पद होगा ए प्लस 999 डी, और इधर हजारों पद कितना होगा बच्चे? इधर होगा वाई प्लस वाई प्लस ट्रिपल नाइन। 999 डी। बच्चे इनका अंतर पूछा गया कितना होगा, घटा दो ए प्लस 999 डी में से। जब आप वाई प्लस 999 डी को घटाओगे, बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, ए प्लस 999 डी माइनस के वाई माइनस के 999 डी घटाए तो सर कितना आ गया ए माइनस वाई, और ए माइनस वाई का मान कितना है बच्चे 100। सर यानी कि इनके हजारवें पद का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। यानी कि अब आप लोगों को याद करना है बच्चे, क्या याद करना है कि मान लो हमारे पास में दो एपी है, कितनी एपी खुशी हमारे पास में दो सर दो एपी है, और उन दोनों एपी का अंतर समान है। कोई भी टर्म ले लो बच्चे, आपने लिया सर मैं तो 7 से शुरू करूंगा, 7 7 में सर मैं तो कितना जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा 11, 11 में सर मैं 4 जोड़ूंगा 15, सर 15 में मैं 4 जोड़ूंगा 19 एंड सो ऑन। सर मेरे पास में दूसरी एपी है और सर मुझे पता है कि उसका भी सार अंतर कितना है बच्चे 4 का है, बताओ एपी किससे मान ले? आप कहोगे सर मैं तो 17 से मानूंगा, 17 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 4 जोड़ा 29 एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनके 100वें पद में जो अंतर होगा, अब भाई पहले पद में बताओ कितना अंतर है, आपने कहा सर 10 का अंतर है। अब आप कोई से पद का अंतर पूछ लो, हजारवें पद में कौन सा अंतर होगा? आप कहोगे सर इनके हजारवें पद में भी 10 का ही अंतर होगा। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा था बच्चे? क्वेश्चन नंबर था ये 12। ठीक है, सर ठीक है, देखिए अभी आप लोग क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये वाला क्या पूछा गया है 12 के बाद में। हम एक बार 13 और 14 भी डिस्कस कर लेते हैं दोनों को जल्दी जल्दी। देखिए हम इनको कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर, और ये दोनों बच्चे सवाल एक जैसे ही हैं। ये दोनों सवाल कैसे हैं खुशी? एक जैसे ही है। ऐसे ही सर। देखो आप लोगों को अंतर यहां दिखाई दे रहा होगा, किसी बच्चे ने हैंड राइज किया है क्या? नहीं क्या? चलिए देखिए आप लोगों को अंतर यहां दिखाई दे रहा होगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? भाई 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है? सर 100 से स्टार्ट होती है, 999 तक जाती है, पर वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या 100 7 से विभाज्य है? आपने कहा सर करके देख लेते हैं, 7 एकम 7 घटाए तो 3 बचा, ऊपर से 0 था, 7 चौक 28 सर घटाए तो 2 बचा। सर अगर हम 100 को भाग करते हैं 7 से तो सर 2 बच जाता है, यानी कि सर 98 पूरा पूरा भाग हो रहा होगा, पर सर 98 तो 2 अंकों की संख्या है बच्चे, 98 में 7 जोड़ लो, आप कहोगे सर 105 आ गया। 105 सर पहली वो संख्या है 3 अंकों की जो 7 से भाग होगी, उसके बाद सर एक कौन? आपने कहा सर 7 जोड़ लो 112 हो सौ जाएगा, बारह सर 7 फिर जोड़ लो एक सौ 100, उन्नीस और सर क्या 999 भाग है 7 से? करके देख लो भाई, जब हमने भाग किया आपने कहा सर 7 एकम 7 घटाए तो सर 2 बचा, ऊपर से उतारा 9, सर 7 चौक 28 घटाए तो 1 बचा, ऊपर से उतारा 9, सर 7 7 दूनी 14 सर घटाए तो कितना बचा 5, यानी कि सर हमारे पास में 5 बच जाता है। अब आप क्या करोगे, यानी कि इसको 5 कम कर लो, भाई 5 कम कर लिया तो कितना आ गया 994 आ गया। यानी कि ये सारी संख्याएं हैं 105 से लेकर के 994 तक जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। ये पूछी गई है भाई कितनी संख्याएं, कितनी संख्या का मतलब है कि आपसे एन के बारे में पूछा गया। बच्चे आप इसमें एन का फॉर्मूला लगा दो कि यार एन बराबर होता है ए प्लस ए एन, प्लस एन माइनस वन गुना डी। ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है 994, ए की वैल्यू 105 एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 7। सबसे पहले आप 105 को घटा दोगे, एक सेकेंड रुकना बच्चे, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चे, अभी आपको आवाज आ रही होगी। देखिए आप क्या करोगे, आप 994 से आप 105 को घटाओगे पहले। भाई 105 घटाए 994 से, कितना आ गया हमारे पास? सर 14 में से 5 गए, 9 बचा। सर 8 में से 0 गया, 8। सर 9 में से 1 गया, 8। यानी कि आपने कहा सर कितना बच गया, 889। कितना बच गया बच्चे, 889। तो हमने लिख दिया बच्चे यहाँ पर 889 बचेगा 105 घटने के बाद में। ये आ गया सर एन माइनस वन इंटू सात। अब आप क्या करोगे बच्चे, पहले 7 से भाग कर लोगे, 7 से भाग करोगे ओके 889 को, तो कितना आ गया सर 7 एकम 7, घटाया तो बच्चे 1 बचा 8, 7 दूनी 14, घटाया तो बच्चे 4 बचा 9, 7 सत्तू 49, कितना आ गया बच्चे 127। यानी कि सत्ताईस सर, एन माइनस वन की वैल्यू 127 आ गई, और बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। 128। क्लियर? यानी कि आप कहोगे सर तीन अंकों वाली 128 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य है। अब देखो विभाज्य और गुणज का मतलब एक ही होता है भाई, 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से भाग हो जाती हैं, किस किस के बीच में पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 10 से 250 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 10 से भाग, सॉरी 4 से भाग हो जाती है। आप कहोगे सर पहली संख्या 12, सर फिर 16, सर फिर 20 एंड सो। भाई 4 से भाग होने वाली, भाई 10 तो भाग होगी नहीं, 12 भाग हो जाएगी, फिर 16 भाग हो जाएगी, फिर 20 भाग हो जाएगी। सर 250 को भाग करके देख लो, क्या ये 4 से भाग होता है? सर 4 से भाग क्या, 4 6 24, घटाए तो नो सर, 1, सर 4 2 8, सर 2 बच जाता है, तो 2 घटा लो। आप कहोगे सर 248 पूरा पूरा भाग होगा। ये कितनी संख्याएं हैं बच्चे, ये कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर ए की वैल्यू कितनी, 12। सर डी की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर 4। क्या सर, दो वैल्यू कितनी बच्चे, 248। आप सौ फॉर्मूला अड़तालीस लगा दो ए एन बराबर 248, और ए एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस ए एन प्लस माइनस, ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी ठीक है बच्चे? आप इसके अंदर मान भर दो, भाई ए का मान कितना 12, बारह एन सर, माइनस वन, डी का मान कितना बच्चे 4। चार सर, सबसे पहले 12 इधर आके घट जाएगा। आपने कहा यस सर एन सर, माइनस वन गुणा 4 का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 12 घटाओगे तो 36 बच जाएगा, 236। यस सर, ये 4 से भाग हो जाएगा तो सर कितना आ गया, 4 5 20, और सर 4 9 36, और सर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 60। कितनी आ गई बच्चे एन की वैल्यू, 60। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर, एक बार अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर, तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर अपना अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए एक बार बच्चे हम 15 और 16 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 15 और 16। सब बच्चे ध्यान से देखिए, ये रहा बच्चे हमारे पास है 15 16, क्योंकि 17 हम लोग कर चुके हैं। एक बार कौन सा कर लेते हैं बच्चे, 15 भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगा करके, पहले 16 करते हैं। पढ़िए बच्चे 16 क्वेश्चन, खुशी नंबर खुशी पढ़िए, एक बार 16 नंबर का क्वेश्चन लीजिए। यस सर, यह भी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बच्चे हमें क्या दे रखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि सर A3 की बात की गई है, यानी कि सर A+2D कितना मेरे पास में, 16 है। सर सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सर अगर आप सातवें पद में से, सॉरी पांचवा पद घटा दोगे तो सर मेरे पास में 12 आ जाएगा। क्लियर खुशी? क्योंकि सर, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद में से अगर आप पांचवा पद घटा दोगे तो आपके पास में 12 आ जाएगा। भाई सातवां पद कितना होता है, आप लोगों के साथ सातवां पद होता है A+6D। कितना होता है बच्चे, A+6D, और उसमें से आपने घटा दिया पांचवा पद, यानी कि A+4D, बच्चे कितना आता है 12। अब आप लोगों के साथ ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो सर यस ए सर, प्लस सिक्स डी माइनस ए माइनस माइनस एक ए फोर डी माइनस बराबर 12। सर ए से तो ए कट गया, और 6D में से 4D गई, तो सर 2D बच गया 12, और डी का मान कितना आ गया बच्चे, 6। डी का मान 6 आप कहीं भी पुट कर दो, भाई डी का मान कितना आ गया, 6। आप डी का मान छह यहाँ पुट कर दोगे तो बच्चे डी का मान अगर 6 रखोगे तो कितना आ गया, A+2×6=16। सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 -12, और सर ए का मान आ गया 4। सर ए पी कितनी बनेगी, 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22 एंड सो।
क्लियर सभी को? बाकी यस सर। बच्चे भी एक बार बताइए जल्दी से वाई टाइप करके, अगर क्लियर तो। ठीक है, बाकी और कोई बच्चा टाइप करेगा चैट सेक्शन में, उसी को तो क्लियर है। ठीक है, सचिन को भी। सौरभ आप बताइए बच्चे, मोहित आप बताइए। ठीक है, सौरभ, सुमन। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कौन सा सवाल डिस्कस करना था बच्चे? आगे हमें करना था 15वां नंबर का सवाल डिस्कस। रीडिंग लगाएंगे इस बार खुशी रीडिंग नहीं लगाएंगी, इस बार किसी और बच्चे को बोलते हैं रीडिंग लगाने के लिए। देख लेते हैं एक बार कौन कौन बच्चा ज्वाइन है। रीडिंग लगाएंगे इस बार मोहित के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो लगाएंगे रीडिंग। बताइए, नहीं सौरभ आप लगाओगे बच्चे सौरभ के नाम से? नहीं, सचिन के नाम से नहीं लगाएंगे रीडिंग। अच्छा आप ही लगा हाँ, हम भी लगा देते हैं फिर। देखिए इसमें लिखा है एन के किस मान के लिए, यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है कि एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी। भाई दो समांतर श्रेणी है, सरेरा 63, 65, 67। सर देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का ए कितना है? 63। सर डी कितना है हमारे पास में? 2। सर दूसरी समांतर श्रेणी है हमारे पास में 3, 10, 17 एंड सोन। सर ए की वैल्यू कितनी? 3। सर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 7। ठीक है बच्चे, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के एनवे पद बराबर होंगे, यानी कि आप हमें बताओ क्या। देखो ये तो धीरे धीरे बढ़ेगी भाई, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, 63 से 65, 65 से 67, फिर 69, फिर 71 एंड सोन, ये तेज तेज बढ़ेगी। सर 17, 17 के बाद में सीधा कितना जाएगा बच्चे? 24, 24 के बाद में सीधा कितना जाएगा? 31, 31 के बाद में सीधा कितना जाएगा? 38। इतने तेज बढ़ेगी। तो क्या कभी ऐसा होगा कि इन दोनों के समान कोई सा ऐसा पद होगा एन के किस मान के लिए जहां पर जो संख्या आएगी और यहां पर जो संख्या आएगी वो बराबर आ जाएगी? बिल्कुल हो सकता है। आपने कहा सर इस एपी का जो एनवा पद होगा वो कितना होगा? आपने कहा सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। और बच्चे इस एपी का एनवा पद कितना होगा? सर इस एपी का भी एनवा पद यही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप कह रहे हो कि ये दोनों पद बराबर है, आप क्या कह रहे हो बच्चे? कि ये दोनों पद बराबर है, आप इनको बराबर पुट कर दो। यानी कि आपने क्या करना है भाई, ए की वैल्यू कितनी? आपने लिखा सर 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी? 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी? 7। आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात आप सभी हमें बताओ, खुशी चलो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले। 63 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2n माइनस 2, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे? 7n माइनस, -7 बच्चे 63 में से 2 गए तो बच्चे कितने बच्चे? 61 61 सर। प्लस 2n बराबर ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? 61 प्लस 2n के बाद में इधर कितना जाएगा? आपने कहा सर ये 3 है और ये माइनस के साथ है तो माइनस के 4 बचा होगा, प्लस के 7n। सर। इस 2n को इधर लाके घटा देते हैं बच्चे, 7n में से 2n घटा दिए और सर इसको माइनस के 4 को इधर ले जाके जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 65। बच्चे इधर कितना बचेगा? 5n और 65, 5 65 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। बताइए एन कितनी आ गई? इतना सर 13 सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। और